सो हेलो वेलकम खम्मा गणेशा, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 4 बज रहे हैं, मतलब अभी 3:57 हुए हैं और आज हम जा रहे मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब अजमेर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये सुबह सुबह उठ के मतलब मैं नहा धो के रेडी हूँ एकदम, हम दोनों नहा धो के एकदम रेडी हैं, बस अब निकलने की तैयारी है। तो सोचा जा ही रहे हैं तो व्लॉग भी बना लेते हैं कि अब ये है मेरा आज का लुक, मतलब मैंने इस ड्रेस को एक बार पहले भी पहन रखा है इस ड्रेस को। तो बस अब निकलने की तैयारी है, 4:15 के समथिंग हम निकलेंगे और मैं एकदम नॉर्मल सी एकदम रेडी हूँ। ये है सुबह 4 बजे हमारा डीडवाना शहर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मतलब आधी किसी गाड़ी तो दिखी, आदमी तो बंद दिखे, अपन आदमी भी दिखो कोई तो है बेचारा। 4 बजे तो अब हम निकल चुके हैं अजमेर के लिए और सुबह सुबह बस एक दो जना इधर उधर हो रखा है, बाकी तो बस आराम से सो रहे हैं सब। ये लो पेट्रोल पंप भी बंद करे, मैं खासरी बोला आपने रात में चला बाबा, रात में डलवा लेता ना तेल तो सही रहता ना। अब बंद ऑलमोस्ट भी तो 5 बजे के बाद खुल जी से सर।
करते हो आप? आप ऐसे ऐसे करते हो, डरा देते हो सामने वाले बंदे को। डराते नहीं हम, हमने सोचा हम गलत आ गए। क्या गलत आ गए? सूर्य दर्शन कर लो, सूर्योदय हो चुका है। पीछे बस आ रही है, बस आ रही है, सच्ची बस आ रही है। इधर ले अब निकाल लो फिर। सच्ची में मन तो पहाड़ा में छोड़े हो यार। अब दोनों चला संसार की मोह माया दूर जावा और तो लाई कर है ना। चल तैयार बैठे हैं मन छोड़ रहा पता नहीं तो लुगाई से दापेड़ा है हाल तो साथ में ना हो यार। लड्डा कोटा है ना आता Thank you.
अब हम खाएंगे खाना भाई, भूख लगी है बहुत जोर से। तो भाई क्या क्या ऑर्डर किया है आपने? हमने हाँ हमने किया है एक तो मटर पनीर, मतलब हांडी पनीर, हांडी पनीर और रोटी है। अच्छा, सलाद मिल जाएगा, छाछ है और सलाद साथ में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। देसी देसी आदमी देसी खटे उड़ जो चाहिए देसी खाई, देसी रहेंगे देसी खाएंगे देसी। दाल बाकी रहेगी? एक दाल पाओगे नहीं। के बाद में गर्मी में हम खा रहे ठंडी ठंडी आइसक्रीम वाला आइसक्रीम सेंटर ही खोल लिया। 10 रुपए की दो अंदाना में सारे दिन आइसक्रीम खाऊं जा। 10 रुपए की दो आइसक्रीम ए जान करता कौन खोल ले, क्योंकि अंदाना सारे दिन आइसक्रीम खाई चाहिए। 10 रुपए घर ही काटो लागी। 10 रुपए की दो आदि ना दादा खाएगा। अब टेस्ट नहीं तो अब ठंड में सॉरी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मैं खतरनाक गर्मी है वास्तव। मत बोला पूनम जी मत बोलो, नहीं बोलो तो मत बोलो, नहीं बोलो तो मत बोलो, पूनम जी मत बोलो, मैं को नहीं बोला था मत बोलो। बोलो खाओगे अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं क्या बोले आप? मैं के मत बोलो बिके बच्चे आप क्यों कूद जाओ ये कमान तो खुद दे कूदो मन फिर देख दापिड़ो आदमी कहीं दिखे खटे मछली खटे ओह छोटी छोटी है बिल्कुल ही चीनी चीनी है। तो अभी हम हैं आना सागर झील के पास, ये है यहाँ का व्यू कितना प्यारा देखो। हाय हाय नमस्ते। कितना प्यारा व्यू यहाँ पे, मतलब हर तरफ बस पानी पानी है। ए मैंने ना कणा कही मन डूबा बना फिर मतलब ये है आना सागर झील का व्यू और अब हम वापस घर जाने के लिए रवाना होने वाले हैं।
इतना प्यारा व्यू है यार। वो गार्डन में ये वाला ये ले लो पूरा एक ले लो ये इमताना ले लो मेरे भी एक मेरे भी ले लो आप भी कर दो तो आप भी खिला दो दोनों दे तो अब हम यहाँ बोट में बैठने के इरादे से जा रहे हैं लेकिन देखते हैं क्या होता है। डर तो मुझे बहुत लगता है पानी से। ये देखो आगे आगे बैठ जाओ बैठ मेरे कोई दिक्कत नहीं। नदियों पार चलते हैं देखते हैं। टापू का रास्ता भूल गया देख। हमने लिए है 120 वाली मोटर बोट वाली टिकट देखते हैं क्या होता है। मतलब मोटर बोट के लिए 120 है और सिंह और मुझे पता नहीं। टापू राउंड हो रहे हैं टापू के लिए उतारी। ये आ गया टापू तो कुछ नहीं तो ये है टापू। बच्चों के लिए पार्क खेलने के लिए यहाँ पे आराम से बैठने के लिए हरियाली टापू। यहाँ बच्चों के लिए हरियाली वगैरह है अच्छे से लो मस्त घूमो फिरो। डायनासोर ओ वाव आंटी तेरे फोटो कैसे इस बार तो करते हैं इधर से। तो अब हम कर रहे हैं हमारी आइसक्रीम एंजॉय इस एकदम मस्त हरियाली में बैठ करके। देखो कितना भूखा आदमी है खाना इस पर। अब हम वापस जा रहे हैं गर्मी है। तो अभी 6:40 हो रहे हैं
और अभी तो हम अजमेर में ही हैं। मतलब इनके ना ये कांच है ये टूट गया, ये पहले से टूटा हुआ है, तो पहले ये कांच से ही करवाएंगे, उसके बाद में जाना होगा। मेरे को रात में ड्राइविंग से बहुत डर लगता है सच में, मतलब ट्रैफिक वगैरह रहता है और ट्रक ज़्यादा चलते हैं रात में किशनगढ़ साइड में इधर, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्या करें, लेट होगा, 6:40 तो यहीं पर हो गए, मुझे पता नहीं कितना टाइम और लगेगा कांच सही करवाने में, और उसके बाद में घर जाना होगा। लगता है रात के 9 तो आराम से बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है। आज बहुत मज़ा आया सच में, मतलब इतना ज़्यादा हमें घुमाई नहीं की थी, इतना कुछ नहीं देखा, सिर्फ झील ही देखी थी स्पेशली, तो और वहीं पे आसपास घूम रहे थे क्योंकि हम एक दिन के लिए आए थे बस ऐसे ट्रेवल के लिए। तो बाकी अब बस घर जाएंगे और खाना वाना भी घर पे ही खाएंगे, रात को लेट हो जाएंगे हमें पता है। मतलब कांच भी नहीं मिला और 20 मिनट के लिए लेट भी हो गए, और वो जो क्या बोलते हैं इनको, ये मोटर गैरेज वाले जो भैया सॉरी उन्होंने ना जुगाड़ करके दिया है, देखो मस्त कांच लगा है, छोटा सा टूटा हुआ कांच लगा है। मतलब ये शायद या तो स्कूटी या फिर ना बाइक, अच्छा अल्टो, अल्टो का है ये कांच, बिल्कुल छोटा सा है ना। उन्होंने बोला कि अभी तो आपका जुगाड़ चल जाएगा क्योंकि रात होने वाली है ना, और अगर बाई चांस आगे मिल जाए तो वहां से लगे मतलब दिमाग भैया जुगाड़ लगेगा अगर लो। मेरे हस्बैंड और वो दोनों जुगाड़ ऐसा मैं जुगाड़ जुगाड़ हुई सी सही बात है।